हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अजय मेहता और आप देख रहे हैं अजय कॉर्नर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, मेरे पास वाइट हिबिस्कस का एक प्लांट था, वो करीब 5 से 6 फीट लंबा था, तो मैं उसको कहीं दूसरी जगह से लेके आया था। तो वही आज की वीडियो में आपको पूरा वही बताऊंगा कि उसको मैंने कैसे लगाया और इसी प्रेजेंट में उसकी क्या स्टेज में वो पहुँच चुका है। तो जो हमारी वीडियो होगी करीब 1 साल पुरानी वीडियो है, तब से मैं वीडियो को बनाते जा रहा था। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि वो प्लांट कैसा है और वो प्लांट मैंने कैसे लगाया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, ये मैं अपने फ्रेंड के वहाँ से लाया था। उसके वहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो उनने क्या ये प्लांट निकाल के अलग कर दिया था, तो मैं इसको अपने घर ले आया हूँ। आज मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये प्लांट 1 साल बाद कैसा है, क्योंकि जब ये प्लांट मेरे यहाँ लगेगा तो मैं इसकी कटिंग करके लगाऊंगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको 1 साल बाद की वीडियो को मैं भी इसमें दिखाऊंगा। आपने यह करना है कि वीडियो बने रहना है, मैं आपको इसमें लास्ट में इसका रिजल्ट दिखाऊंगा 1 साल बाद ये प्लांट कैसा दिख रहा है। तो आज हम इस प्लांट को क्या कर रहे हैं, इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट मतलब अपने घर में मैं इसको लगा रहा हूँ, इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दूंगा और आपको मैं इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा। तो जो मेरा प्लांट है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि करीब 5-6 फुट का, ऐसा नहीं है, प्लांट थोड़ा बड़ा ही लग रहा है मुझे। तो हम क्या करेंगे इस प्लांट को लगाने के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसमें ये ब्रांचेस दिख रही हैं इनको अलग करना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों करना ज़रूरी है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ये देखिए, मैं इसको यहाँ से थोड़ा अलग करूंगा, वो इसलिए अलग करूंगा, अगर मैं इसको यहाँ से अलग करूं तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी नोड भी आएंगी। तो जो हमारा प्लांट है इसको मैं 2 तरीके से लगाऊंगा, एक तो मैं इसको पानी में लगाऊंगा और दूसरा मैं इसको सॉइल में लगाऊंगा। और जो मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ वो इसलिए ज़रूरी है, अगर मैं इसकी कटिंग ना करूँ तो इसकी ब्रांचेस हैं वो इसका पूरा न्यूट्रिशन ले लेंगी। प्लांट हमारा जो जड़ में जब इकट्ठा होता है, जो सॉइल होती है अपने ऊपर लेता है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं इसकी ब्रांचेस को अलग कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसकी आगे की प्रोसेस क्या कर रखी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। तो जल्दी मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट स्टेज हमने क्या करना है। देखिए, जिसकी ब्रांचेस थी जहाँ से मैं इसकी कटिंग करना चाह रहा था वो मैंने सब निकाल दी हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसकी यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लूँगा। यहाँ से मैं इसलिए कटिंग करूँगा क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे अच्छे नोड आ रखी हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बाद में ब्रांचेज निकलेंगी, तो हमारा प्लांट बहुत एक खूबसूरत प्लांट भी लगेगा। इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इससे बाद में बॉन्साई भी बना सकता हूँ, तो मेरे पास एक अलग ऑप्शन रह जाएगा। तो अब मेरा अगला स्टेप ये रहेगा कि जहाँ से मैं इसकी कटिंग करना चाह रहा था वहाँ पे मैं इसको काट लूँगा। मैंने एक वुड काटने वाला ब्लेड ले रखा है और जो मेरा ऊपर का हिस्सा है उसको भी मैं यूज करूँगा, वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाता हूँ। तो चलिए फिर मैं इसको पहले काट लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे प्रोसेस हमने क्या करनी है। ये देखिए, जो हमारा प्लांट था हिबिस्कस का, उसकी मैंने मनचाही कटिंग कर ली है। ये कटिंग मैंने इसलिए करी क्योंकि बाद में इसके बॉन्साई बनाना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। ये देखिए ऊपर का हिस्सा, इसको मैं यूज़ में लाऊंगा, इसको मैं वाटर में ग्रो करूंगा और आपको वो भी दिखाऊंगा कि वीडियो के लास्ट में उसकी क्या ग्रोथ थी, वो प्लांट अभी कैसा है। जो हमारा प्लांट था उसकी कटिंग तब हो चुकी है। अब अगला स्टेप हमने ये करना है कि जिसकी रूट्स हैं ये देखनी है, जिसकी वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि जिसकी रूट्स हैं वो ऊपर की ओर हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जिसकी जो मेन ब्रांच है उसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो उसकी मेन रूट है उसको हम कुछ नहीं करेंगे, और जिसके अदर रूट हैं उनको थोड़ा काट के छोटा कर लेंगे। वो इसलिए ज़रूरी किया है क्योंकि अगर मैं इसको नहीं काटूँ जो उसकी रूट्स हैं ऊपर की ओर आएंगी, तो अगर ऊपर की ओर आ गया तो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमारा प्लांट उससे ख़राब हो जाएगा। तो चलिए पहले इसकी मैं रूट्स को कट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे हमने क्या करना है। तो अब ये देखिए, जो हमारा प्लांट है हिबिस्कस का, इसकी मैंने रूट्स तो कट कर ली हैं। अब मैंने देखिए इसमें जिसकी मेन रूट थी, मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मुझे दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रखा है क्योंकि जो मेन रूट्स है वही हर प्लांट में मेन होती है। अगर मैं यही काट देता तो हो सकता है कि प्लांट हमारा ख़राब हो जाता। और ये देखिए, जो हमारा दूसरा हिस्सा मैं आपको दिखा रहा था वो भी मैंने कट कर लिया है। इसको वाटर में ग्रो करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये प्लांट अभी कैसे स्टेज में पहुँच चुका है। तो चलिए फिर अपने प्लांट को मैं सॉइल में लगा देता हूँ। ये देखिए, मैंने अपने प्लांट को सॉइल में लगा दिया है बिल्कुल अच्छे से, और मिट्टी से मैंने इसको ढक भी दिया है। तो हमारा प्लांट तो अब लग चुका है। जो मेरा वाटर वाला है वो करीब 1 से 2 महीने बाद उसकी मैं एक और वीडियो बना लूँगा, उसको बाद में एक साथ ऐड कर लूँगा, और जो मेरी सॉइल वाली वीडियो है उसमें 1 साल तो लग ही जाएगा, वो मैं तब दिखाऊँगा आपको। 2000 years later।
तो आज की वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड था और आपको दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जो हमारा प्लांट है इसको करीब 3 से 4 महीने हो चुके हैं। हमारे यहाँ थोड़ा ठंडे का मौसम है तो इस वजह से थोड़ा इसमें टाइम लग चुका है। हमारे प्लांट में देखिए कितने अच्छे अच्छे सब पत्तियाँ भी आने लगी हैं। अब कुछ टाइम बाद इसमें थोड़ी बड़ी बड़ी इसकी ब्रांचेस आएंगी। ब्रांचेस आने के बाद इसमें बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग भी होने लगेगी। ये देखिए अभी इसमें क्या हो रहा है कि इसके बगल में थोड़ी घास हो गई है। मैं इसमें से घास निकाल देता हूँ क्योंकि घास निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर घास नहीं होगी तो हमारा प्लांट में जो हम न्यूट्रिशन दे रहे हो हमारे पूरे प्लांट को ही मिलेगा। अगर हम घास नहीं निकालेंगे तो जो घास है वो भी हमारे प्लांट का न्यूट्रिशन लेते रहेगी। अभी तो मैं इसकी केयर अगर मैं बताऊँ आपको तो मैं इसकी खाली एक ही केयर करता हूँ। जैसे हमारे अभी ठंडा चल रहा है तो उसमें मैं इसको कोहरे से बचाने के लिए इसको ढक देता हूँ। बस एक ही केयर मैं इसकी कर रहा हूँ और मैं इसको वाटरिंग करते रहता हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं जब ये प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाएगा उस समय मिलते हैं। अभी बड़ा होने के साथ साथ मैंने एक प्लांट और लगाया है, वो मैंने वाटर में लगा रखा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि प्लांट अभी प्रेजेंट 2021 में कैसा दिखता है, 2021 में प्लांट अभी कैसा है। तो जहाँ पे प्लांट देख रहे हैं ये प्लांट को मैंने वाटर में ग्रो कर रखा है, वो मैंने आपको बताया था पर वीडियो में पहले कि जो मैं प्लांट ऊपर का हिस्सा है उसको मैं वाटर में ग्रो करूँगा। ये देखिए मैंने इसको वाटर में ग्रो किया और उसके बाद कितने अच्छे अच्छे इसमें ग्रो हो रखे और कितने अच्छे अच्छे इसमें लीव्स भी आ रखे हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें जैसे कि इसको इतना बड़ा हो गया है, अब मैं इसको या तो किसी को गिफ्ट कर दूँगा। गिफ्ट करने के साथ साथ अगर मैं किसी को गिफ्ट ना करूँ तो मैं इस प्लांट को कहीं सॉइल में अच्छे से लगा दूँगा। तो आप चलिए अब मिलते हैं कि जब हमारा प्लांट थोड़ा बड़ा हो चुका है और हमारा प्लांट करीब 2021 में मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा प्लांट अभी प्रेजेंट में कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए हमारा जो प्लांट है वो एक साल बाद इतना बड़ा हो चुका है। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से इसको दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी इसमें जो इसकी लेग्स हैं वो कितनी अच्छी अच्छी आ रखी हैं और कितने अच्छे इसमें लीव्स भी आ रखे हैं। अभी इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हो रखी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे प्लांट में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है, ऐसी इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग हो रखी है। तो आपको भी जब भी अपने प्लांट ऐसे रिपोर्ट करने होंगे तो आप भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने इसका पूरा रिजल्ट आपको दिख रहा है। ये देखिए जो मैं आपको नोट दिखा रहा था वहाँ पर से कितनी अच्छी अच्छी ब्रांचेस आ रखी हैं। जब भी आप अपने प्लांट को ऐसे रिपोर्ट बड़े प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं तो उनके नोट को पहले देख लेना है, उसके बाद अपने प्लांट की हमने कटिंग करनी है। ये देखिए कितने अच्छे से फ्लावर भी आ रखे हैं। तो आपने देखा कि आज हमने अपने प्लांट को कैसे रिपोर्ट करा और हमारा प्लांट सक्सेसफुली कैसे रिपोर्ट हुआ। तो अगर आप भी अगर अपने प्लांट को ऐसे ही रिपोर्ट करेंगे तो आपका प्लांट भी जरूर सक्सेसफुल होगा। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।